सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप कैसे मैकेनिज्म कर सकते हैं केमिस्ट्री में। सो गाइस, अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आपने केमिस्ट्री ले रखी है, तो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, मैकेनिज्म के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और हमेशा मैकेनिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन होती है और उसे बताना होता है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट तक बनने तक जो ये हमारा ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है, ये किस हिसाब से हुई है और कैसे, इसमें कैसे कैसे स्टेप्स थे जिस वजह से ये प्रोडक्ट बना है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुए, सब मैकेनिज्म में हमें बताना होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करते हैं मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप कोई सी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा कंपाउंड, इसका नाम है हमारा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। और इस पे होंगे दो लोन पेयर। ठीक है, एंड गाइस, यहां होगा हमारा एक एच प्लस, क्योंकि हमारा एसिड होता है वो एच प्लस आयन रिलीज करता है। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जब मैं क्लास 12th में था, मेरे साथ भी यही, मेरे पास भी यही क्वेश्चन आया था। सो बोर्ड एग्जाम में कि अगर आपको, तो जो ये कार्बन होती है, कार्बन की संख्या क्वेश्चन में बढ़ा दी जाती है, लेकिन जो रिएक्शन होती है वो सेम टू सेम होती है। तो सपोज ये एथेनॉल है, 3 कार्बन हो जाएंगे तो फिर प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। सो जब इसे हीट किया जाता है एट टेम्परेचर 443 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, सो क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा एथीन। और वाटर रिलीज होता है जब किसी भी चीज को हीट करेंगे आप, जैसे अल्कोहल को हीट करेंगे तो वाटर तो रिलीज हो गई। तो हमें बताना है कि वाटर कैसे आया और ये एल्कीन कैसे बनाया वाया मैकेनिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा एथेनॉल और प्लस एच प्लस आयन। तो एच, गाइस याद रखना, हमेशा एसिड रिलीज करता है एच प्लस आयन और बेस रिलीज करता है ओ एच माइनस आयन। और एसिड होता है वो एच प्लस भी करता है और H3O+ भी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोन पेयर है, सो लोन पेयर से ये जाएगा एच प्लस पे, यानी कि ये बॉन्ड बनाएगा एच प्लस के साथ। तो याद गाइस ध्यान रखना, जो ये हम एरो बनाते हैं ये ऐसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन से जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसकी तरफ ये एरो होता है। ठीक है, उसके बाद इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये एच 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 सी एच एच। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, सो इस पर आ जाएगा प्लस और यहाँ एक एच जुड़ जाएगा और एक यहाँ एच जुड़ जाएगा। तो ये एच था एच प्लस, यहाँ इसके ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। दो इलेक्ट्रॉन को यूज करते हो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है। उसके बाद क्या होगा गाइज, अब क्या होगा, ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा एच प्लस सी एच एच सी एच और यहाँ आ जाएगा प्लस। फाइन, और जो क्या रिलीज हो जाएगा हमारा H2O विथ टू लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए और यहाँ दो टू चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ दो हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ तो दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, मैं एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और यहाँ बॉन्ड बनाना होगा। तो ये एरो होगा कुछ ऐसे। ठीक है, सो क्या बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। फाइन, और जो ये इसमें से एक एच प्लस निकलेगा वो एच प्लस यहाँ रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि जो रिएक्शन की शुरुआत में हमने एच प्लस लिया था और रिएक्शन के एंड में हमने एच प्लस निकाल दिया, यानी कि ये पार्टिसिपेट तो करता है, रिएक्शन को एक्सेलेरेट तो कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन ये बाद में निकल जाएगा। तो यही काम होता है हमारा, जो कैटलिस्ट होते हैं मैक्सिमम टाइम्स ये क्या करते हैं कि ये रिएक्शन को एक्सेलेरेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद केमिकल रिएक्शन के एंड पे हट जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे रिएक्शन करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। और सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, देखना होगा कि हमें इसमें से निकालना क्या है।
ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड मेकिंग बॉन्ड, यही हमारा इसमें प्रोसीजर होता है, यही स्टेप्स होते हैं टू मेक आर प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है हमारा, एथीन, और ये वेस्ट है H2O। अंडरस्टूड? एंड गाइस दिस इज हाउ यू कैन डू मैकेनिज्म इन केमिस्ट्री। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक गाइज, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो लाइक दिस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।